हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस अभी तक आपने पांच पार्ट देख लिए होंगे मैंगो uh, के ऊपर दिस विल बी द सिक्स्थ पार्ट एंड किसी ने अगर वो पिछले पांच पार्ट्स नहीं देखे हैं सो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लेलिस्ट के अंदर जाएं एंड आप वहां पर ये बाकी के पांच पार्ट्स भी देखें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं मैंगो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप है जब हम फ्रूट uh, क्रॉप्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं तो आई बी के लिए जो बच्चे इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नबार्ड के लिए या फ्यूचर एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंगो इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्रॉप फ्रॉम दैट एस्पेक्ट तो उसको हम पार्ट सिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड पार्ट सिक्स के अंदर बेसिकली हम पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे जो आ, पेस्ट हैं मैंगो क्रॉप के और ये बेसिकली हम दो पार्ट्स में इसको कवर करेंगे बिकॉज करने को एक पार्ट में भी कर सकते थे लेकिन वीडियोस को शॉर्ट रखने का जो टारगेट है वो उससे शायद पूरा ना हो पाता थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता सो आई डिसाइडेड कि हम इसको क्यों ना ब्रेक कर दें दो पार्ट्स के अंदर डाल दें पार्ट वन के बाद इमिजिएटली पार्ट टू भी आपका मैं साथ के साथ ही अपलोड कर दूंगा तो लेटेस्ट सी द पेस्ट जगह आप इसको मैंगो पेस्ट बी यू कैन कॉल इट सो जो पेस्ट अटैक्स होते हैं ये आपके पास मेजर जो है तेरा पेस्ट अटैक्स ने कवर किए इसमें आपका मैंगो हॉपर मिली बग इनफ्लोरसेंस मिर्ज फ्रूट फ्लाईज स्केल इंसेक्ट बारकिटिंग कैटरपिलर स्टेम बोरर शूट कॉल साइला स्टोन वीविल ट्रिप्स फ्रूट बॉरर लीफ वेबर और शूट बॉरर आ जाएगा पार्ट वन के अंदर हम जो है आपके ये छह जो पेस्ट हैं इसको डिस्कस करेंगे now, hopper, तो किसी भी पेस्ट या किसी भी डिजीज की जब हम बात करते हैं तो एक तो नेम या साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो तो मैंगो हॉपर के केस में जो बॉटनिकल नेम है सबसे पहले तो जो मेनली जो हॉपर्स इसमें अटैक करते हैं उसमें एक तो आपका आ जाता है एडियोस्कोपस स्लाइपेलिस उसके बाद आई नाइटेडुलस एंड एमरिटेडोस एकिन सोनी तो ये मेनली जो पेस्ट्स हैं वो हॉपर्स पेस्ट्स वेराइट स्पीशीज हैं जो आपके मैंगो को अटैक करते हैं एंड काफ़ी डैमेजिंग इनको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग अगर पेस्ट मैंगो के अंदर बात करें तो वो आपका मैंगो हॉपर ही आता है इसके अंदर क्या होता है जो इमेचोर प्लांट्स होते हैं ना ये उसके सैक को सक करना शुरू कर देते हैं और पॉपुलेशन बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई होती है जो निम्फ होता है उनका काफ़ी लार्ज नंबर होता है एंड अल्टीमेटली जो प्लांट की स्ट्रेंथ होती है जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर प्लांट फॉल होना शुरू हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि प्लांट की जो विगर होती है या जो प्लांट की जो स्ट्रेंथ होती है जो उसको स्टैंडिंग रखती है वो यहाँ पर वीक होनी शुरू हो जाती है उसके अलावा ये जो पेस्ट होते हैं ना हॉपर हो जो होते हैं हैं ये ना एक स्टिकी सा सब्सटेंस भी रिलीज़ करते हैं, स्वीट सब्सटेंस होता है और इसकी वजह से ना एक मॉल्ड जैसे काला दाग सा होता है ना कई बार आपने आम के उप, फ्रूट के ऊपर भी देखा होगा ब्लैक से दाग बने हुए होते हैं तो वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टिकी सबस्टांस जो ये पेस्ट रिलीज करते हैं ठीक है तो आपने क्या याद रखना है एक तो बॉटनिकल नेम याद रखना है ठीक है दूसरा आपने याद रखना है कि सैप सकिंग ये करते हैं पॉपुलेशन काफी ज्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई होती है और एक स्टिकी स्पीड सब्सटेंस ये रिलीज करते हैं ऑलराइट राइट ओके और इनकी जो पॉपुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि पूरे साल बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करेगी थ्रू आउट द ईयर तो ये लोअ पॉपुलेशन में रहेंगे लेकिन एकदम से पॉपुलेशन स्पाइक जो है वो दो टाइम पर होता है साल में एक तो फेबररी और अप्रैल का जो पीरियड है उसमें आपको बहुत स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी और एक जून से अगस्त का पीरियड है तो जो मैंगो ऑर्कर्ड हैं उनको सबसे ज्यादा केयरफुल जो है इस पर्टिकुलर पेस्ट से रिलेटेड रहना पड़ता है इन दो सीजन में एक तो फेबररी से अप्रैल का जो पीरियड है और एक जो जून से अगस्त का पीरियड है ठीक है और इनकी मल्टीप्लीकेशन की जो कंडीशन uh, है जिस कंडीशन के अंदर ये ज्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं वो है शेड अगर जो रीजन है वो बहुत ज्यादा शेडी है वहां पर शेड बहुत ज्यादा है और ह्यूमिडिटी हाई है तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो काफी टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और ऑर्कर्ड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी ऑर्कर्ड में पेड़ों की वजह से मैंगो ट्रीज बड़े ट्रीज होते हैं तो शेड वाली सिचुएशन होती है ह्यूमिड एरियाज होते हैं तो डेफिनेटली ऑर्कर्ड्स के अंदर ये uh, कंडीशन जो है मोस्ट सुटेबल एक तरीके से बन जाती है इस पेस्ट की मल्टीप्लीकेशन के लिए अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पेस्ट की मैनेजमेंट के लिए एक तो आपको प्रनिंग करनी है दूसरा आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग को अवॉइड करें फ्लशिज है उसको रेगुलेट करें ताकि जो शेडी कंडीशन वाला जो सिचुएशन बन रही है या हाई ह्यूमिडिटी वाली जो सिचुएशन बन रही है उसको आप कम से कम कर सको उसके अलावा इसके अंदर आप जो नेचुरल वेज हैं उसको यूज कर सकते हो जैसे इसके अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं आप बीटल्स का इस्तेमाल कर सकते हो स्पाइडर्स को यूज कर सकते हो रेड्योविड हो गया ब्यूवेरिया बेसेनिया हो गया वेटिक्यूलम लेकैनी हो गया तो ये भी जो है इन हॉपर्स की पॉपुलेशन को चेक में रखते हैं उसके अलावा आप लैमडा इंसेक्टिसाइड्स को नीम प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हो डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए एंड पहला स्प्रे जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का होना चाहिए वो जब पहला पेनिकल इमरजेंस हो रहा है ना उसके टाइम पर होना चाहिए ठीक है चलिए तो के के अंदर अंदर ये 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 हो गया ये इसके ना वाला पेस्ट वाला बहुत important है इसको जरूर याद रखिएगा बाद जो next इसके अंदर पेस्ट आ जाता है वो है वो आपका मीली बग। मीली बग को देखते हैं तो मीली बग का जो बोटनिकल है ड्रिका मैंगीफ याद रखिएगा पेपर के अंदर ये पूछे जाते हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये पेपर के अंदर काफी पूछा जाता है ठीक है और काफी सीरियस पेस्ट इसको कंसिडर किया जाता है मैंगो ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है एंड इसके अंदर जो निम्फ या अडल्ट पेस्ट होता है वो सैप सकिंग करता है प्लांट की अगेन प्लांट को वीक जो है काफी ज्यादा कर देता है और ये भी एक स्टिकी सा सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं कि हनी ड्यू प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से भी जो आम है जो आम का फ्रूट है उसके ऊपर वो काले से दाग जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे जब आप मार्केट में आम खरीदने जाते हो तब भी आप देखते हो ना कि वो स्टिकी स्टिकी सा मैंगो के ऊपर एक डेवलप्ड होता है तो वो उसी को हम सूटी मोल्ड बोलते हैं अगर हम इसके अः मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो आप पॉलीथिन बैंड को इस्तेमाल कर सकते हो बेसिकली पॉलीथिन बैंड क्या होता है कि आप ना पॉलीथिन का यूज करके उसके जो ट्रंक ट्रंक है उसको ट्री ट्रंक को कवर कर दो और 25 सेंटीमीटर की विर्थ आपने बना देनी है ठीक है 25 सेंटीमीटर का मोटाई मुट, उसकी होनी चाहिए न्यूज़पेपर कवरिंग की और ये नवम्बर और दिसंबर के मंथ के अंदर आप करें जो इसको काफी ज्यादा इफेक्टिव जो है वो बना देगा ओके okay, उसके बाद इसके अंदर आप फंगस एक होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक काफी अच्छा बायो एजेंट जिसको कंसिडर किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग दिस इसके अंदर जो फंगस आ जाता है दैट इज बीरिया बेसिनिया तो इसको भी काफी अच्छा कंसिडर किया जाता है एक काफी अच्छा बायो एजेंट है जो इस पर्टिकुलर मिली बग को कंट्रोल कर सकता है उसके अलावा अक्टूबर के मंथ के अंदर अगर आप जो मैंगो ऑर्कड है उसको फ्लडिंग उसकी कर देते हो वाटर से तो उससे क्या होगा जो एग्स हैं वो आप इस पर्टिकुलर पेस्ट के एग्स को किल कर सकते हो ओके और प्लॉइंग करो ऑर्कड्स की नवंबर के मंथ के अंदर उससे क्या होगा जो एग्स हैं वो हीट से एक्सपोज हो जाएंगे हीट को एक्सपोज हो जाएंगे सन की हीट को एक्सपोज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल बी ओके एंड ऑल्सो आप मेलेथियन का स्प्रे कर सकते हो ठीक है मेलेथियन का स्प्रे भी आपके पास एक ऑप्शन इसके अंदर रहता है तो पॉलिथिन बैंड आप फंगस का इस्तेमाल कर सकते हो जो है आपका बिवेरिया ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर कि विच अमंग द फॉलोइंग फंगस कैन बी यूज एज एन बायो एजेंट टू प्रोटेक्ट द मैंगो ऑर्कड्स फ्रॉम मिली बग ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर वो पूछ लेता है तो फंगस ब्यूवेरिया बेसिनिया हो जाएगा ऑप्शन में चार पांच फंगस के नाम दे देगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है बग के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर डिजीज आ जाता है दैट इज योर योरसेंस मिज मिज क्या होता है इसको देखते हैं तो मिज इसके अंदर बॉटनिकल नेम में जो दो स्पीशीज आ जाती हैं बेसिकली एक तो है आपकी प्रोकेट्रीन मैंगीफेरे और दूसरी है एरोसोमिया इंडिका ग्रोवर तो ये यह दो यहां पर स्पीशीज आ जाती हैं अब यहां पर जो ये मिज है जो इन्फ्लोरसेंस मिज है ये तीन स्टेजेस के अंदर आपके क्रॉप को मेनली इफेक्ट करता है ठीक है पहला तो तब होता है जब आपका फ्लोरल बर्ड बर्स्ट होता है जब मैंगो का फ्लोरल बर्ड बर्स्ट होगा ओके उसके बाद जब आपका फ्रूट सेट होना शुरू हो जाता है और जब तीसरी स्टेज होती है जब नई पत्तियां न्यू लीव आनी शुरू होती हैं सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो पहली स्टेज के ऊपर अगर अटैक हो जाए तो वो होता है ठीक है क्योंकि उससे क्या होता है क्योंकि पूरे का पूरा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का सिस्टम ही सारे का सारा खराब हो जाएगा और फ्लाइज जो है वो अपने एग्स को के ऊपर ही डिपॉजिट कर देंगे झड़ने शुरू हो जाएंगे गिर जाएंगे इसकी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो मैनेजमेंट करने के लिए आप ऑर्गड को प्लॉ करो प्रॉपरली ताकि जो सन की हीट है उससे लार्वे को आप वो डायरेक्टली लार्वा एक्सपोज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली सन की हीट उसको किल कर देगी उसके अलावा जब आपका बर्ड बर्स्ट स्टेज है यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आप डायथोट को स्प्रे कर दो बहुत ज्यादा देर मत करो अगर टाइमली आप इसको स्प्रे कर दोगे तो आप अपने मैंगो ऑर्किड को प्रोटेक्ट कर पाओगे इन फ्लोरेसेंस मिज के बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट आपका फ्रूट फ्लाइज तो फ्रूट फ्लाइज के अंदर आपकी दो मेनली जो स्पीशीज आ जाती है एक तो है आपकी बैक्ट्रोसेरा डॉसेलिस हैंडल एंड बी जोनेटा ये दो है मेनली एंड ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पेस्ट है मैंगो का अगर हम इंडिया की बात करें और इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और जो सबसे कॉमन फ्रूट फ्लाईज इसके अंदर आ जाती हैं वो ये दो स्पीशीज आ जाती हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं ओके अब इसके अंदर क्या होता है जब हैचिंग हो जाएगी यानी कि एग से बाहर आ जाएगा लार्वा उसके बाद क्या होगा वो फ्रूट के पल्प के ऊपर फीड करना शुरू कर देगा ठीक है अब बाहर से वो लगेगा कि बड़ा नॉर्मल है आपको बाहर से लगेगा कि फ्रूट बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो फ्रूट पल्प के अंदर एंटर कर चुका है ठीक है लेकिन वो अंदर से जब आप उसको काटोगे तो इस तरह का आपको फ्रूट पूरे तरीके से डिस्ट्रॉइड जो है वो मिलेगा इस फ्लाई की जो मेनली इमरजेंस शुरू होती है वो अप्रैल के अंदर होती है एंड अल्टीमेटली मई और जुलाई तक पहुंचते पहुंचते इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो जो बेसिकली फ्रूट हैिटी का टाइम है मई और जुलाई का मैंगो की उस टाइम तक इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है अल्टीमेटली जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फ्रूट फ्लाइज की अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो विंटर्स के टाइम पर प्लॉइंग करें ताकि आप एक्सपोज कर सकें जो भी आपके पेस्ट हैं उनको उसके बाद जो फॉलन फ्रूट्स हैं जो फ्रूट्स टाइम से पहले गिर गए हैं उसको कलेक्ट करें और उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें ठीक है ताकि बाकी के मेच्योर फ्रूट्स के ऊपर इम्पैक्ट ना हो मेल एनिलेशन टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेल एनिलेशन टेक्निक क्या होती है बेसिकली इससे ना मेल पेस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है ठीक है वेरियस सेक्स सेक्सुअल जो परफ्यूम्स होते हैं आप एक तरीके से लह, रह सकते हैं जो सेक्सुअली मेल इंसेक्ट को अटैक अट्रैक्ट uh, करेंगे उसको यहाँ पर यूज किया जाता है तो वो आप यूज कर सकते हैं फोर्टी फाइव डेज फ्रूट मेचोरिटी से पहले ठीक है और इसमें आप टेन ब्लॉक्स पर हेक्टेयर ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने पर उसमें आपको यूज करना चाहिए टेन ब्लॉक्स पर हेक्टेयर में आप ये यूज कर सकते हैं और थर्टी डेज के बाद आपको ये ब्लॉक्स रिप्लेस करने होते हैं बेट एनहीशन टेक्निक अगेन एक तरीके से इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए आर्टिफिशियल फूड सोर्सेज क्रिएट करके उसमें आप इंसेक्टिसाइड जैगरी बनाना वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो ये भी आप फोर्टी फाइव डेज बिफोर मेचोरिटी करें उसके अलावा आप डेल्टा मेथ्रीन और इस्तेमाल कर सकते हैं थ्री वीक्स बिफोर हार्वेस्ट और हार्वेस्टिंग में डिले अवॉइड करें एंड पोस्ट हार्वेस्ट हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं फ्रूट्स को ठीक है चलिए फ्रूट फ्लाईस के बाद सेकंड लास्ट जो हमें आज डिस्कस करना है आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर दैट इज स्केल इंसेक्ट्स तो स्केल इंसेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं जिसके अंदर आपका पुलविन एरिया पॉलीगोंटा एसपीडियाटस डिस्ट्रक्टर सेरोप्लास्टिस एसपी एंड लेस्टो एसपी आ जाता है ठीक है ये सबसे कॉमन स्केल इंसेक्ट्स है जो मैंगो क्रॉप को इंपैक्ट इफेक्ट करते हैं अब इसके अंदर क्या होता है जो निम्फ होता है इंसेक्ट का पेस्ट का या एडल्ट होता है वो क्या करते हैं वो लीव्स के सैप को सक करते हैं और जो बाकी के टेंडर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के उसको यहां पर सक करेंगे जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है उसका विगर जो है वो रिड्यूस हो जाता है ये हनी ड्यूबी से क्रिएट करते हैं अगेन जो एक सूटी मोल्ड की अपियरेंस देते हैं या ग्रोथ देते हैं फ्रूट के ऊपर अगर हम इनकी मैनेजमेंट की बात करें तो प्रनिंग करें जो ब्रांचेज ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं उनको कट कर दें एंड कट करने के बाद उनको प्रॉपरली बर्न कर दिया जाए आप केमिकल्स का यूज कर सकते हो जिसके अंदर डायमेट और मेलेथियन का आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड जब आप स्प्रे कर रहे हो केमिकल इंसेक्टिसाइड का तो जब इंसेक्ट क्रॉलर स्टेज के अंदर है जब ये स्केल इंसेक्ट क्रॉलर स्टेज के अंदर है दैट मीनस दे आर ओनली क्रॉलिंग तभी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि बाकी के लाइफ स्टेजेस के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना ठीक है और एडल्स ही ऐसे होते हैं जो इवन आफ्टर देयर डेथ दे रिमेन टू तो द प्लांट तो इससे ना पेस्ट के स्टेटस में भी अपने को कंफ्यूजन होती रहती है कि पेस्ट खत्म हो गया या है क्योंकि वो डेथ के बाद भी वो ऐसा लगेगा कि चिपका हुआ है प्लांट के साथ और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करने का जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से ना जो नेचुरल एनिमीज होते हैं स्केल इंसेक्ट्स के जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो उनको भी किल कर देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो स्केल के अंदर पेस्टिसाइड यूज करने का देखा गया है फाइनली वी नीड टू डिस्कस बार्क ईटिंग कैटरपिलर तो बार्क ईटिंग कैटरपिलर की बात करें तो ये बेसिकली पुराने शेडी और निग्लेक्टेड ऑर्कर्ड को अटैक करता है एंड बेसिकली जो इसमें लार्वे होता है ना वो बार्क के ऊपर ही फीड करता है इसीलिए इसको बार्क बार्क ईटिंग कैटरपिलर कहते हैं ये ये ना ना टनल बना लेगा, बार्क के अंदर ना छोटे -छोटे टनल्स बना लेगा लेगा के के अंदर अंदर छोटे छोटे और फिर स्टेम के अंदर भी ये एंटर कर जाता है और अप्रैल से दिसंबर मेनली ये फीड करता है और एक जनरेशन एक साल में देखने को मिलती है मल्टीपल जनरेशन आपको नहीं दिखेंगी आईपीएम में आप क्या कर सकते हो सबसे पहले तो जो टनल बनाई है ना अगर कैटरपिलर ने या इंसेक्ट ने तो उसको आप उसमें ना एक छोटी सी आयरन की सीख या आयरन स्पाइक जिसको बोलते हैं ना वो उस टनल के अंदर डाल दो ठीक है तो उससे क्या होगा बेसिकली इट विल डाय और वो टनल आयरन स्पाइक से फिर आप उसके वेब को रिमूव भी कर सकते हो और जब आप एक बार वेब को रिमूव कर दो तो उसके ऊपर आप मेलेन को अप्लाई कर दो ठीक है जहां पर वो होल है ना वहां पर आप मेलेन अप्लाई कर दो और फिर उस होल को बंद करने के लिए ना गीली मिट्टी का इस्तेमाल कर लो उसके अलावा अगर आप प्रिवेंटिव मेजर यूज करना चाहते हो कि आपके अटैक ना हो बारकिटिंग कैटरपिलर का तो आप जो ट्रंक है या ब्रांचेस है उसको आप क्लो क्लोरोपाइरिफॉस से स्प्रे कर सकते हो ओके okay, सो so, बारकिटिंग कैटरपिलर तक हमने दोस्तों करना था अब ये जो बाकी के बचे हुए हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेम बॉरर शूट गॉल साइला स्टोन विविल थ्रिप्स फ्रूट बॉरर लीव वेबर एंड शूट बॉर ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे बेसिकली आईडिया यही है कि वीडियोस को बहुत ज्यादा लंबा ना रखा जाए ठीक है छोटे-छोटे वीडियोस हो ताकि आप इजीली उनको देख सको गाइस सो right, so, यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करेंगे एंड एक 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है मल्टीपल एमसीक्यूज मिलते हैं तो फॉर्म में एमसीक्यूज होते हैं बेस्ट टाइम है इसको परचेज करने का पेपर जो आई बी का देने जा रहे हैं इतने सारे एमसी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए प्लस उनके डिटेल्ड सोल्यूशन भी हैं तो लर्निंग प्रोसेस भी चलेगा टेस्टिंग उसके बाद फिर लर्निंग ओके एंड फिफ्टी परसेंट इसके ऊपर ऑफ भी चल रहा है तीन सौ रुपए का पड़ता है सिर्फ तीन सौ रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एक बच्चे के लिए जो एग्जाम क्रैक करना है हमें और एग्जाम साल में एक बार होता है तो तीन सौ रुपये आप उसके ऊपर जरूर खर्चें अगर तीन सौ रुपए खर्च में भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है कोई फाइनेंशियल इशू है तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है व्हाट्सएप नंबर ये नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो चैट ग्रुप है वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो वहां पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं तो टेलीग्राम के लिंक से आप डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कीजिए चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय